मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब लोग पर इनको पहुंचाओ। कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ। हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दीदी निकल गई। अच्छा चले, सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल गया। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी, प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे, आप लोग पास प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। ये पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब लोग पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाए। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लगता रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहा के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हो भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना और इनको इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है ममता जी, निकल गई आगे चले, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ अगर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते फ्लाइट के टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे।